फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नेशनल साइंस सिटी म्यूजियम। और यहाँ पे जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं न्यूटन के और सब पूरा साइंस के, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हैं। बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल है और बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपने मेरा अहमदाबाद का साइंस सिटी सेंटर का वीडियो नहीं देखा तब उसको भी देख सकते हैं, फ्री में प्रमोशन भी कर दिया मैंने अपना। और इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, बताइए दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगा। और चलिए अंदर चलते हैं। और ये टिकट विंडो है इसकी, ओपन हो चुका है, सुबह मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं, ओपन हो चुका है, जल्दी आएँ और बिना क्राउड के आराम से देखें। फ्रेंड्स, हम इतने जल्दी आ गए हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम आराम से घूम रहे हैं सारी चीजें। हमारा मेन मोटिव ये रहता है, ऐसे टाइम पे आओ कि अपने ब्लू कलर ये पानी बचाओगे तो इस तरह से बचेगा, नहीं तो धरती का एंड फिर होने वाला है। बस देख लो, आप बचाओगे नहीं, मानोगे नहीं, कितना भी यही होगा। वॉटर एवरीवेयर बट जस्ट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, तो इसमें लिखा हुआ है कि पानी से तो पूरा संसार बना है, पूरा पृथ्वी पानी पे ही है, लेकिन बूंद के बराबर ही पानी पीने के लिए है। अब आप सोच लो, आपको बूंद के बराबर मिलेगा उसमें से भी खर्च कर दोगे तो फिर पानी खत्म, गाड़ी वाड़ी घोड़ा गाड़ी सब कुछ रखा रह जाएगा, बंगले हेलीकॉप्टर कुछ नहीं बचेगा। सेव वॉटर फर्स्ट। जादुई नल, और सही बताऊं तो मुझे भी पता नहीं पड़ रहा कि सब पानी कहाँ से आ रहा है, ना कोई पानी का कनेक्शन है, और नीचे कहाँ जा रहा है मतलब ऊपर से कहाँ से आ रहा है नीचे से, ये खूबसूरती है साइंस की। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं, किस तरह से लोग मेहनत करके ये भी बूंद पानी को बचा रहे हैं। यहाँ से पता पड़ता है ये ब्रिज बना रहे हैं। We are thirsty because we are hungry. ये देखिए। इसमें दिखाया है कि इन सब के अंदर पानी है, हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो पानी से बना है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ पानी नहीं है। हे फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो साइंस सिटी म्यूजियम के बारे में है जो कि दिल्ली में है, और हमने ये प्लेस इसलिए चुना क्योंकि एक दिन बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए ज़रूरी था, और साइंस सिटी म्यूजियम से बेटर प्लेस क्या हो सकता है। बच्चे इसको इतना इंजॉय करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टच स्क्रीन, मेरी बच्ची, इसमें गेम है, फन है, मस्ती है, हर कोई चीज़ मिलेगी आपको। बजाओ इसको, जादू से बजेगा, देखना आप। ये बजने वाला है पियानो जादू से, कोई भी वायर नहीं है और मेरा हाथ ही वायर काम करेगा। वाह, तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया होगा कि काव्या किस तरह से एंजॉय कर रही है और फुल मूड में है। बाकी कहीं हम और जाते हैं तो वो बोलती है चलो यहाँ से, बोर होने लगती है, बट यहाँ पे एक सेकंड के लिए वो रुक नहीं रही है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा फन है और इतनी सारी नॉलेज है कि आपको मज़ा आएगा। और क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे तो आराम से देखने मिल रहा है सब कुछ, एक्सप्लोर करने, कोई क्राउड नहीं और कोरोना भी नहीं। काव्या, ये म्यूजियम काफ़ी फ्लोर हैं, इसके 5 से 7 फ्लोर हैं और धीरे धीरे हर फ्लोर पे आपको डिफरेंट चीज़ मिलेगी,
इस वाले फ्लोर पे जैसे हड़प्पा संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति बारे बताया, किसी और फ्लोर पे किसी और चीज के बारे में। आपकी राशि पसंद करेंगे, जो भी हो आपकी राशि आप पसंद करिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका साइन मिलेगा आपको। क्या उसका साइन देखिए, जैसे मीन है, मीन मतलब मछली, उसका साइन है यहाँ पर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और ये उसका डिजाइन बना रखा है। ऐसे ही यहाँ पर एक्वेरियस, स्कॉर्पियन ये है, सब तरह की है। ये है वृषभ राशि और ये है तुला राशि, मेरी राशि राजयोग तुला राशि। और ये पूरा जो है ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर हड़प्पा लिख रखा है, यहाँ पर हड़प्पा की हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो भी बता रखा है पूरा इंफॉर्मेशन है। अगर आपको अगर साइंस से हैं और हिस्ट्री के हैं तो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप पढ़ सकते हैं पूरा संस्कृति के बारे में बता रखा है। ये है जलचक्र यात्रा, पानी के बारे में कैसे जलचक्र चल रहा था और किस तरह से उसका स्कूल की छुट्टी होने वाली है और स्कूल की छुट्टी में कैसे करते थे, और ये लिखा है मेजर ऑफ टाइम, जो प्राचीन काल में आपने देखा होगा जो भी है इस तरह से मेजर ऑफ टाइम होता था। अगर आपने मेरा जयपुर का ट्रिप का वीडियो नहीं देखा जिसमें आपने जंतर मंतर देखा है, वहाँ पर इसी तरह का टाइमिंग है, इसी तरह का जंतर मंतर जो वीडियो है उसका टाइमिंग है और उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने ये कवर किया है किस तरह के यंत्र हैं और किस तरह से उनका टाइम का मेजरमेंट होता है। और ये आप देखते थे सूर्य घड़ी और बहुत सारी इस तरह की घड़ियां पहले बनाई गई थी, चंद्र घड़ी और इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि वॉच वगैरह अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है ये बच्चों के लिए, आप यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ पूरा दिन निकाल सकते हैं, बट शॉर्ट ऑफ टाइम वी नीड टू कवर ए फास्ट क्योंकि हमें शो भी देखना है, हमारा एक शो भी है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं आगे से कैसा है। देखिए पुराने जमाने में किस तरह से हमारे जो भी साधु महाराज थे और वैद्य बोलते थे उस जमाने में वैद्य, तो किस तरह से ये ऑपरेशन करते थे और उनके पूरे यंत्र रखे हुए हैं। और ये पूरा लाइव एक डेमो दिखाने की कोशिश की गई है, पहले इसी तरह से ट्रीटमेंट होता था। मेरा फेवरेट सेशन परफ्यूम, और किस तरह से पहले परफ्यूम बनते थे, आज भी कन्नौज में अगर आप जाएंगे तो इसी तरह से आपको दिखेंगे बनाते हुए, और ये परफ्यूम रखे हुए हैं। और ये लोग इस तरह से नेचुरल पद्धति, आज की तरह साइंटिफिक वाला नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से बनाया हुआ नेचुरल, किस तरह से पहले लोग बनाते थे। और आज भी कन्नौज में इस टेक्निक का यूज करके खस के और बटे वार इस तरह के जो नेचुरल गुलाब चंदन उस तरह के बनाए जाते हैं,
अगर आपको कभी मौका मिले, मैं भी ट्राई करूंगा लाइफ में जाने का कन्नौज। फ्रेंड्स, बुक्स रीडिंग के अलावा लाइव रीडिंग और लाइव लर्निंग तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, और इसीलिए इस तरह के म्यूजियम में आपको बच्चों को लाना चाहिए, जिससे उनको देखने मिले, जानने मिले, समझने मिले और उनके माइंड में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं, अच्छे से उनको समझ में आए और फन लविंग हो, जिससे वो एंजॉय भी करें। इससे बेटर चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ और होगी। और बाकी इस तरह के म्यूजियम में कई बार आप भी गए होंगे बचपन में, तो मुझे बताइए डिस्क्रिप्शन में आपका बचपन का ट्रिप, स्कूल ट्रिप कैसा रहा। आपका स्वागत है। गलत चले आप। आप ठीक जा रहे हैं, कोशिश जारी रखिए। मेरा फेवरेट सेशन परफ्यूम, और किस तरह से पहले परफ्यूम बनते थे। आज भी कन्नौज में अगर आप जाएंगे इसी तरह से आपको देखेंगे बनाते हुए, और ये परफ्यूम रखे हुए हैं, और ये लोग इस तरह से नेचुरल पद्धति, आज की तरह साइंटिफिक वाला नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से बनाया हुआ नेचुरल, किस तरह से पहले लोग बनाते थे। और आज भी कन्नौज में इस टेक्निक का यूज करके खस के और वेटेवर इस तरह के जो नेचुरल थे, गुलाब, चंदन, उस तरह के बनाए जाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले, मैं भी ट्राई करूंगा लाइफ में जाने का कन्नौज। पता नहीं कहाँ गए। इधर ये शोर खट्टा इधर लगता है, तू चालू ही नहीं किया कुछ भी। स्वीट आगे लगता है, सॉल्टी बीच में लगता है, बिटर कड़वा पीछे लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड टिल देन बाय।